हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले लेसन में बचे हुए टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन को रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले प्रकाश के परावर्तन को रिवीजन किया और हम लोगों ने उस चैप्टर में यह देखा कि किस प्रकार से प्रकाश परावर्तित होती है और परावर्तन के नियम भी देखे हम लोग, साथ साथ में परावर्तन के साथ वस्तुओं का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, दर्पणों पे दर्पण के प्रकार भी पढ़े, उनके आवर्धन क्षमता भी हम लोगों ने देखी, ये सब चीज़ें देखें। अब बचे हुआ भाग जो है आज का, प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जान चुके हैं पहले, अगर आपको नहीं बात समझ में आ रही है तो आप इससे पीछे वाली वीडियो को देख लें, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाली वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है। इस विचलित या मुड़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कैसे मुड़ जाती है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या है कि ऐसा माध्यम है जिसके कण जो है थोड़े दूर दूर है। कण क्या है? दूर दूर है। अब क्या किया जाए, और इधर जो है हम लोग का सघन माध्यम है। सघन माध्यम का मतलब क्या है कि इसकी तुलना में इस माध्यम के जो कण है वो पास पास है। ठीक है, हम लोग क्या करें कि, और यह रेखा जो है दोनों माध्यमों को बांटने वाली रेखा है, सीमा है। क्या है? सीमा है। अब इससे हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है तो वह अपने मार्ग से इसको जाना चाहिए सीधी, इसको क्या करना चाहिए? सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे न जाकर यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इस अभिलंब की ओर मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसी में बात इसके आगे की। इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, जैसे कि पहले पढ़े हैं। ये क्या होती है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ठीक है, यह जो होता है इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और यह हमारा क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। और यह जो अपने मार्ग से विचलित होकर किरण जाती है इसको हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? यह आपतन कोण कहलाता है, यह वाला हिस्सा। ठीक है, इसको जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, साथ साथ में इस अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण, अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण जितना कोण बनाती है उस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है, यह तो रही हमारे कुछ बेसिक नॉलेज प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। जैसा कि परावर्तन के नियम होते थे ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं दो, ठीक उसी तरह से इसके भी कितने होते हैं? दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? दो नियम। इसके कितने होते हैं? दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं।
ठीक है। जैसे पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। किस पर होते हैं? तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह अभिलंब, हमने अभी बताया आपको, इसको कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण और इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु। तीनों एक ही बिंदु अर्थात आपतन बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? हमने अभी आपको बताया कि इसको बोलते हैं आई अर्थात आपतन कोण, इसको बोलते हैं आर अर्थात अपवर्तन कोण। पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी एक रंग के प्रकाश के लिए, किसी भी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। जैसे क्या कहता है कि किसी भी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यह हो गया आपतन कोण, ज्या का मतलब साइन थीटा है, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब कि साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, यह होता है नियतांक। इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तन का द्वितीय नियम। क्या कहा जाता है? अपवर्तन का द्वितीय। ठीक है, अब इसी इसी में हम लोग आगे देखेंगे स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, याद रखेंगे। कुछ है नहीं, जो पहले हम पढ़े हेडिंग को वही चीज है कि जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है कि आपतन कोण की ज्या किसी एक प्रकाश के लिए या एक प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। मतलब कि अभी पढ़े हैं कि साइन आई बटा के साइन आर, साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। लेकिन इसमें कहते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं साइन आई बटा के साइन आर है, अगर पहला माध्यम जो है हम लोग का एयर है और दूसरा माध्यम जो हम लोग का कांच है, तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ए एन जी, मतलब कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कि समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने यह पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम के प्रकाश की चाल का अनुपात जो होता है उसके अपवर्तनांक के बराबर होता है, यह सिद्ध किया जा चुका है और हमने ये बात पहले से जान चुके हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए एन जी मतलब कि वायु का कांच में, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वह वायु में प्रकाश की चाल जिसको सी कहते हैं बटा के हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल के बराबर होगा। कांच में प्रकाश की चाल के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, देखिए अच्छे अपवर्तनांक का हमारे जीवन में कुछ उपयोग है और हम लोग के दैनिक जीवन में रोज घटनाएं होती रहती हैं जो आप ध्यान देते होंगे। जैसे देखिए कि अगर हम लोग को किसी बाल्टी में रखे हुए पानी को अगर बाल्टी के ऊपर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बाल्टी का तल जो है अपने वास्तविक गहराई से ऊपर है,
में अगर किसी जल में अगर अपने पेन को, पेंसिल को, हाथ को अगर डुबोते हैं तो पेन, पेंसिल या हाथ हमें टेढ़ी नजर आती है, लगता है कि बीच से टूट गया है। यह इसलिए नजर आता है क्योंकि अपवर्तनांक के कारण, क्योंकि कांच वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इस घटना का उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस बातों को, उस वस्तु को वायु से देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो वायु, सॉरी, प्रकाश के अपवर्तनांक पर आधारित होती हैं। ठीक, ये चीजें आप सब पढ़े हैं, जानते हैं, समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। आप जो चीज लिखे हैं उसको दोहराते रहें, रिवीजन करते रहें बीच बीच में, नहीं तो सब भूल जाएगा। देखो, अच्छे क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक, यह कोई ऐसा, कोई एक मान लो कि एक सघन माध्यम है। ठीक है, यह कोई सघन माध्यम है ना। इस सघन माध्यम में क्या किया जा रहा है कि ये हम लोग अभिलंब खींच देते हैं, यहाँ पर मान लो कि अभिलंब है। ठीक है, और यहाँ से क्या करें हम लोग कि एक ऐसा आपतित किरण सघन माध्यम से डाल रहे हैं। ठीक है, और जब सघन माध्यम से डाल रहे हैं तो यह क्या हो रही है कि यह विरल माध्यम से के साथ यह 90 डिग्री के कोण पर आपतित हो जाती है। किस कोण पर आपतित हो जाती है? 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है, आपतित नहीं, अपवर्तित हो जाती है। तो जिस कोण पर आपतित किरण को डालते हैं वही कोण हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। इसको सी से दिखाते हैं। ठीक है, समझ बात आ रही है? मतलब हम लोग इसको यह कह सकते हैं कि सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिससे, जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, ना हो 90 डिग्री हो। समझ में आ रही बात? इतना कुछ इस तरह से। उम्मीद है कि आपको क्रांतिक कोण समझ में आ गया। ठीक है, इसी में आपको आता है एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी देख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। देखो, जैसे मान लो कि एक जो है ना, एक ऐसे माध्यम है जो विरल माध्यम है। ठीक है, और जब विरल माध्यम है ऐसे कुछ, और इसमें हम लोग अभिलंब भी खींच लेते हैं कुछ इस तरह से। चलिए, अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि हम लोग ये अभिलंब बाहर भी खींच देते हैं, ऐसे थोड़ा बढ़ा देते हैं, कि जब विरल माध्यम से कोई आपतित किरण डाल दी जाती है तो, सॉरी, जब सघन माध्यम से आपतित किरण डाली जाती है तो विरल माध्यम में अपवर्तित होने पर वह अभिलंब से दूर हटती है, कुछ ऐसे दूर हटेगी। फिर मान लीजिए थोड़ा सा इसका कोण बढ़ा देंगे, फिर इसको और यह कुछ ऐसे हटेगी, फिर कोण बढ़ा देंगे ऐसे, फिर यह क्या होगी कि अब यहाँ से जाते हुए वायु से अपवर्तित हो जाएगी। तो जो इस तरह से, मतलब कि आपतित किरण विरल माध्यम से चला जाए और अपवर्तित किरण भी विरल माध्यम में ही हो जाए, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, एक बार फिर समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिलहाल ऐसे डाली जा रही है तो ये किरण ऐसे हो जा रही है, लेकिन अगर मान लो हम थोड़ा सा इसको एंगल घुमा दें तो अब क्या होगी कि यहीं से ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब विरल सघन माध्यम से आपतित हुई और सघन माध्यम में ही क्या हो गई? अपवर्तित हो गई। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे पहला नंबर उदाहरण हम लेते हैं जल में परखनली का चमकीला दिखना। कैसा चमकीला दिखता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा बीकर है। ठीक है, इस बीकर में क्या करते हैं हम लोग, या कोई पात्र है, इस पात्र में हम लोग जल ले लेते हैं। ठीक है, जल मान लीजिए ये ले लिया गया। ठीक है, अब इसको जल भर दिया गया, अब इसमें क्या करते हैं कि एक परख नली ले लेते हैं। एक परख नली ले लिया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इधर से पड़ती है इस पर, तो इस पर पड़ने के बाद यह ऐसे मुड़ जाती है। ठीक है, इस पर पड़ने के बाद क्या होती है? ऐसे मुड़ती है।
ऐसे मूर्ति है तो हम लोग इधर से देखते हैं तो हमको ये दिखाई देती है। अच्छा क्या होता है कि बीकर को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करते रहते हैं तो ये प्रकाश किरण इस बीकर के परख नली के अंदर भी जाती है, तो इसका परावर्तन ऐसे होता है कि इस परख नली के अंदर ही यह क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। परख नली के अंदर ही क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर जब हम लोग की आंखों पर पड़ती है तो यह परख नली हमको चांदी के समान चमकती हुई नजर आती है। कैसे नजर आती है, चांदी के समान चमकती हुई नजर। अब इसको करने के लिए अगर आप रख दिए हैं तो हल्का सा बीकर को टेढ़ा करना होगा ताकि परख नली के भीतर जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। समझ में बात आ रही है, ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। और भी है, देखते हैं। देखिए, कांच में पड़ी दरारें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। क्या होता है कि दरारों में जब प्रकाश आता है तो दरारों के भीतर ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है, इसलिए कांच कहीं से फट टूट गया रहता है हल्का फुल्का तो उसमें आपको दरारें जो होती है बहुत चमकीली नजर आती है। इसी का कारण होता है, जैसे आपने देखे हैं सब पढ़े हैं कि रेगिस्तान में मृच्छिका का बनना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। जैसे आपको